सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई उज्जवल और आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कस्टम रूम के बारे में कि अपने फ्री फायर गेम के अंदर हम लोग कस्टम रूम कैसे बनाते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इसी बात टॉपिक पे बात होने वाला है। तो देखिए, मैं कस्टम रूम के बारे में बताऊँ पहले, जैसे कि हम लोग चाहें तो दो खेल सकते हैं, अपने गेम के अंदर स्क्वाड खेल सकते हैं, चार दोस्त के साथ खेल सकते हैं, दो दोस्त के साथ खेल सकते हैं, सोलो भी खेल सकते हैं। सो गाइज, कस्टम रूम इसलिए होता है ताकि हम लोग पूरा गेम ही एक साथ अपने भाइयों के साथ खेल सके, दरअसल ग्रुप बना के। तो कस्टम रूम दरअसल इसीलिए होता है, तो इसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। हम लोग अपने गेम पे आ गए दोस्तों, और गेम पे आ गए तो देखिए आपको इसके लिए क्या 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 करना होगा। तो आपको सबसे पहले एक आपको कस्टम मतलब रूम बनाने के लिए आपको कस्टम रूम कार्ड ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले एक गिल्ड में ज्वाइन होना होगा। देखिए, आप फ्रेंड आइकन के सबसे नीचे वाले फ्रेंड आइकन का जो सबसे नीचे वाले गिल्ड पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको एक गिल्ड में ज्वाइन होना होता है। जैसे कि मेरा अपना गिल्ड है, और आपको एक गिल्ड बनाना होता है। और गिल्ड बनाने के साथ हर फ्राइडे को टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट पर क्लिक करोगे तो हर फ्राइडे को टूर्नामेंट होता है, जिसमें कि आपको 1800 डॉग टैक्स कलेक्ट करने होते हैं। आप डॉग टैक्स कलेक्ट कर सकते हो 1800, और उतना कलेक्ट करने के बाद आपको ये कस्टम रूम कार्ड मिल जाएगा। लेकिन ये लिमिट होता है कि हाँ, एक दिन में ही आपको क्लिक मतलब कि 1800 डॉग टैक्स कलेक्ट करने होते हैं। और ये टोटल मेंबर बना मतलब खेलते हैं। मैं देखिए 103 मेरा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 103, तो मैंने और 40 क्लेम कर रखा है मैंने, तो इतना मैंने कलेक्ट किया था। और टोटल दोस्त मिलके कलेक्ट किए थे 1800 का कलेक्ट हो जाएगा। और तो सबसे लास्ट वाले डिब्बे में आपको मिल जाएगा, ये आपको 1800 गैलरी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको एक कस्टम रूम कार्ड मिल जाएगा। तो 1800 डॉग टैग आप कलेक्ट करोगे तो आपको कस्टम रूम कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कस्टम रूम कार्ड है, तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कस्टम रूम कार्ड कैसे कस्टम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, मैं अब क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप रिफ्रेश करके दूसरे मतलब रिफ्रेश भी कर सकते हो। यहाँ पे रूम आईडी भी सर्च कर सकते हो, किसी का रूम आईडी हुआ तो यहाँ से आप रूम आईडी भी सर्च कर सकते हो किसी का। और रूम आईडी डालने के बाद, जैसे कि मैं हूँ तो रूम आईडी डालना, पासवर्ड डालना और सीधा आ जाना। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं ब्रो, और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हम चलते हैं बनाते हैं कस्टम रूम। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करें तो आपके सामने गेम मोड, रूम नेम, पासवर्ड, गेम मोड, मतलब कि बहुत सारा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लासिक बरमूडा क्लासिक में कर लेता हूँ, आप जो चाहो कर लेना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जो आप चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे रूम नेम आप डाल सकते हो, रूम नेम जो डालो, यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो, सोलो कर सकते हो, डुओ खेल सकते हो, स्क्वाड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, परगट्री कर सकते हो, बरमूडा कर सकते हो, बरमूडा डस आवर कर सकते हो, परगट्री डस आवर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फाइनली बरमूडा क्लासिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर रूम नेम आप चाहो तो रूम नेम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि रूम में अगर आप नहीं डालते हो तो आपके नाम से जो आई डी का नेम है उसके नेम से रूम बन जाएगा। तो मैं फाइनली इसी अपना नाम से ही रूम बना लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड आप डाल सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना जो आपको डालना होगा। तो मैं फाइनली डाल देता हूँ 4556, तो 4556 मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया। और यहाँ पे भरता हूँ, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ टाइप करके, तो 4556, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद आपको प्लेयर्स चूज़ करना है, कितने प्लेयर्स को आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो प्लेयर्स को, और मतलब कि जितना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। तो मतलब कि 48 ही रहने देना आप, छेड़छाड़ मत करना, सोलो डुओ कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ से जितने प्लेयर्स को चाहो उतना चूज़ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे स्पेक्टेटर्स में आपको क्या करना है कि 8 ही रहने देना, यानी कितने प्लेयर्स आपको देखना देख सकते हैं। तो 8 प्लेयर्स में कर देता हूँ, 6 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, कितने प्लेयर्स आपको देखना चाहते हैं गेम खेलते समय। तो ऐसे कुछ होता है, तो मैं भी तो फर्स्ट टाइम कस्टम रूम बना रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको डेथ एक्सपेक्टेड में आपको यह करना है, यस नो कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट, डे नाइट कुछ भी कर सकते हो, डे नाइट आप डे में खेलना चाहते हो, नाइट में कुछ फर्क ज़्यादा नहीं होता है, नाइट वाले में थोड़ा रोशनी कम होता है और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं कन्फर्म कर देता हूँ, और ये बता देता हूँ आपको कि एक कस्टम रूम से आप कन्फर्म करते हो तो एक ही बार आप खेल सकते हो। एक कस्टम रूम कार्ड से आप एक ही बार खेल सकते हो, डबल नहीं खेल सकते हो। डबल के लिए आपको दो कस्टम रूम कार्ड्स होने ज़रूरी है, तो ही आप खेल पाओगे। तो यहाँ पे आप, मैं इस क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके सामने खुल गया, ये हमारा कस्टम रूम बन गया। इसके साथ खेलना चाहते हो तो इस पर अगर आप क्लिक करते हो, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप रूम वाले में चले जाओगे, यानी कि प्लेयर की लिस्ट में चलेंगे। और नहीं तो अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें रहना है आपको, जो 8 मैंने चूज़ किया था ना, इसमें आप रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं यहीं पर रहूँगा, और यहाँ पर अगर मैं रूम पर क्लिक करता हूँ तो मैं रूम में चला जाऊँगा चेंज करके, ठीक है। देखिए, मैं रूम में चला जाऊँगा कन्फर्म करने के बाद। तो मैं कंफर्म कर दिया तो वहाँ से मैं हट गया, अब मैं देखूंगा नहीं, मैं खेलूंगा। अब मैं चाहूंगा तो इसे चेंज भी करके वहाँ पे फिर से जा सकता हूँ। तो ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ से आप अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो आप। तो गाइज़, यही सब बात है, और आगे जो जो प्रोसेस होता है मैं आप सभी को बताऊँगा, ठीक है।
तो यहीं से प्रोसेस है, आप ऐसे वैसे करके फ्रेंड को इनवाइट आप कर सकते हो, ये इनवाइट फ्रेंड्स, और यहाँ से आप फ्रेंड्स के पास मैसेज भी कर सकते हो। सो मैं देखती है आपको दिखाता भी हूँ कि एक फ्रेंड के साथ आप यहाँ से इनवाइट भी कर सकते हो, और इनवाइट करने के बाद उससे आप मतलब बोल भी सकते हो कुछ, अगर मैं देखती हूँ ट्राई करता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, ये कर सकते हो, यहाँ से बात भी कर सकते हो, और मतलब कि आजा भाई कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे दोस्त सब आ गए तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप क्लिक करके कि ये मेरा फ्रेंड है कि नहीं, और यहाँ पे आप इसे अगर आप कस्टम रूम के मतलब आप बनाए हैं तो यहाँ पे आप इसे स्पेक्टर लिस्ट में भेज सकते हैं, यानी कि आप इसे प्लेयर के लिस्ट से हटा भी सकते हैं और प्लेयर के लिस्ट में रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ चाहो तो इस बंदे को हटा भी सकते हो लात मार करके, तो यहाँ से आप जो चाहो वो कर सकते हो, किक कर सकते हो बंदे को, कुछ हटा सकते हो, मूव इसमें कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है, ऐसे होता है कस्टम रूम में। फाइनली हमारे कस्टम रूम में प्लेयर्स काफ़ी जुट चुके हैं, और मैंने अपने यूट्यूब पे कह दिया था बंदों को आने के लिए, सो बहुत बंदे आ गए हैं यहाँ पे। और मतलब कि ऐसे आप करके मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो, जब आपका प्लेयर फुल हो जाएगा तो आप स्टार्ट कर लेना, और फाइनली जैसे गेम खेला जाता है वैसे खेल सकते हो, फैक्ट्री पे उतर के फाइट कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली भाई लोग गेम को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत चल रहा है, और मतलब कि आजकल ताकि लाइव स्ट्रीम जल्दी हो पाए, और मतलब कि हम लोग खेल पाएँ साथ में और लाइव स्ट्रीम जल्दी कर पाएँ। सो गाइस उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत चल रहा है गेम पे, और उसी कारण से थोड़ा कंटेंट इधर उधर हो जा रहा है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से जो भी हो अपडेट आप लोगों से ना छूटे वगैरह वगैरह, जो भी अपडेट होता है। फाइनली मैं ये नहीं कह रहा कि दिन भर में मतलब कि दिन भर में मैं 2-3 वीडियो अपलोड करूँ, अब वो नहीं करने वाला, मतलब कि अपडेट जो होगा मैं सीधा सीधा दे दूँगा, अपडेट जितना भी अपडेट होता है दे दूँगा। सो गाइस आप कस्टम रूम बना के ऐसे, मैं कस्टम रूम बनाया हूँ अभी, और मैं कूदूँगा फैक्ट्री के ऊपर, और आप देख लेना फैक्ट्री के ऊपर यहाँ पर मैं कूद रहा हूँ, ये मैंने दोस्त से बनाया था कस्टम रूम, और फाइनली मैं फैक्ट्री के ऊपर आप कस्टम रूम बना के मैं सारे दोस्तों के साथ आप यहाँ पे उतर सकते हो। मैं कस्टम रूम बनाया हूँ और ये दिखाने के लिए आपको मैं बनाया हूँ, तो यहाँ पे मैं फाइनली फैक्ट्री के ऊपर ही उतरूँगा, जबकि फैक्ट्री काफ़ी दूर है, फिर भी कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री के ऊपर चले जाएँ हम। तो यहाँ पे स्कैनर तो मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि कितने बंदे फैक्ट्री पे। दरअसल ये कस्टम रूम बनाया क्यों जाता है, ये फिस्ट फाइट के लिए बनाया जाता है, इसके लिए बनाया जाता है, उसके लिए बनाया जाता है, या फिर ऐसे नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि फिस्ट फाइट ही करो आप, ये भी जो कर लो आप, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, खेल भी सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप डुओ स्क्वाड कुछ भी कर सकते हो। तो मैं फैक्ट्री के ऊपर उतरा, देखो आप देख भी सकते हो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दिया, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे उतरेंगे, एक दो बंदे नहीं उतरेंगे, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे उतरेंगे और अपना यहाँ पे दिखाएंगे परफॉर्मेंस। तो मैं तो यहाँ मैं तो यहीं पर उतर गया भैया, देखो यहाँ पर आते आते मेरे को तो फाइट चलाने लगा सब, फिर से मारने लगा मेरे को, जबकि मैं तो अपना नाम बनाने के चक्कर में था कि मेरे को कोई मारे नहीं, लेकिन बंदे सब देखो कितने ज़्यादा जुट करके, कुछ बंदे यहाँ पे हीरोपंती दिखा करके, मैं शांति से खड़ा था कि चलो फैन फॉलोइंग यहीं पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बंदा देखो, ये भाई आया ना, ये मेरे को देखो, ये आया था दूसरे काम के लिए, मतलब कि ये मेरे को पहचानता था, बाकी सभी पहचानते थे, कुछ बंदे होते हैं ना फ़ायदा उठाने के लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो एक बंदा आया मेरे को यहाँ से दे दनादन दिया और फिर गया। सो गाइस उम्मीद कर दिया कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि भाई जो आपका भाई की तरफ से फ्री फायर को लेकर के कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जो आप सभी के लिए छूटे, बेसिक से लेकर के हाई तक। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, ओके।